देवउठनी एकादशी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। इस दिन भगवान विष्णु पांच माह की निद्रा के बाद जागेंगे और इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। वहीं देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि देवोत्थानी एकादशी के दिन चतुर्मास भी समाप्त हो जाएंगे और इस दिन से शादी ब्याह आदि सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाबा की बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें हम यहाँ से इसी मंदिर से निशान यात्रा लाके हम राम मंदिर पहुँचे हैं। हमें बहुत हर्ष उल्लास बहुत खुशी मिली है श्याम बाबा का दर्शन करके। अन्नपूर्णा गुप्ता को मेरा जय श्री श्याम। और आज बाबा के श्याम बाबा के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई। अभी हम लोग निशान लेके मंगल ग्राम प्राचीन मंदिर से बाबा श्याम के दर्शन के लिए निशान चढ़ाने पहुँचे हैं और इसी प्रांगण में आज शाम को बाबा का भजन कीर्तन है। बाबा का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। आज सभी श्याम प्रेमी जरूर जरूर इस प्रांगण में पहुँचे। आज उत्साह देखने का महत्व बनता भी है। चार माह से हमारे नारायण जो कि विश्राम में थे, आज देव उठनी एकादशी के अवसर पे सबसे पहले तो नारायण जागृत होते हैं, उठते हैं। और जब भगवान उठते हैं तो भक्तों में खुशी की लहर अपने आप होगी। पूरे देश में आज श्याम बाबा के पाठोत्सव की बहुत धूम मची हुई है। हमारे हल्द्वानी में भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आज उसी कार्यक्रमों में हल्द्वानी नगर के सबसे प्राचीन श्री राम मंदिर में विराजे श्याम बाबा, जिनको 7 वर्ष लगभग हो जाते हैं यहाँ पे विराजे हुए। निशान यात्रा हो रही है यहाँ पे, ये यहाँ से प्रारंभ हुई थी, कहाँ से शिव मंदिर से प्रारंभ होके ये राम मंदिर को समाप्ति हुई है। फिर शाम को चार बजे से फिर कीर्तन भी होगा यहाँ पे बाबा श्याम का। जय श्री श्याम। मेरा नाम है ममता रस्तोगी और बाबा का जो है आज जो है निशान यात्रा निकली है, ये हर साल निकलती है। आज इतना आनंद आया है, दिल खुश हो गया। जय बाबा।